पूरे देश में लोकसभा चुनाव प्रचार की गहमा गहमी जोरों पर। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने असम के जोरहट में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। नरेंद्र मोदी ने बागपत में रैली में की यूपीए सरकार की किसान और सैन्य कर्मी संबंधित नीतियों की आलोचना। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने उनके खिलाफ नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये देशभक्ति नहीं है, ऐसे बयान सेना का मनोबल गिराएंगे और दुश्मनों को मदद मिलेगी। राहुल गांधी ने मुरादाबाद में कारीगरों और शिल्पियों से की मुलाकात। अखिलेश यादव ने चुनावी सभा में राज्य में गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए गिनाई सरकार के कामकाज की उपलब्धियां। अरविंद केजरीवाल ने भिवानी में किया रोड शो। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी के खुले विरोध के बाद पार्टी ने जनता दल यू छोड़कर आए साबिर अली की सदस्यता आज रद्द कर दी। यूपी के सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद को देवबंद अदालत की जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में मसूद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए पुदुचेरी समेत 11 राज्यों में 117 निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज शुरू। छठे चरण में तमिलनाडु की 39, महाराष्ट्र की 19, उत्तर प्रदेश में 12, मध्य प्रदेश में 10, छत्तीसगढ़ और बिहार में 7 और असम और पश्चिम बंगाल में 6, राजस्थान में 5, झारखंड में 4 और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर होगा मतदान। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विज्ञान भवन में पोलियो मुक्त समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक पल है जब अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन समिति ने भारत को पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र दिया है। पिछले 3 वर्षों से भारत में एक भी पोलियो का मामला सामने नहीं आया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आज कहा कि संविधान में देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार होने के बावजूद मुसलमान, खासकर मुस्लिम महिलाएं शिक्षा और श्रम शक्ति में भागीदारी के मामले में अन्य के मुकाबले काफी पीछे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संकट के समाधान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से की फोन पर बातचीत। ओबामा ने रूस से यूक्रेन से सेना हटाने को कहा। थाईलैंड की नई सीनेट के निर्णायक चुनाव से पूर्व फिर विपक्ष का सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गया और हजारों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी की सड़कों पर एकत्र होकर सरकार विरोधी प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री यिंगलक शिनावात्र की सरकार के इस्तीफे की मांग की। चीन के एक विमान ने मलेशिया के लापता विमान की खोज वाले क्षेत्र में 3 संदिग्ध वस्तुएं देखी हैं। जो वस्तुएं देखी गई हैं वो सफेद, लाल और बैगनी रंग की हैं। इस समय विमान की खोज दक्षिणी हिंद महासागर में की जा रही है। बढ़ती ऊर्जा खपत, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और इससे जलवायु पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के प्रति आगाह करने के लिए हर साल पूरी दुनिया में अर्थ आवर मनाया जाता है। आज शाम 8:30 बजे से 9:30 बजे तक बत्तियां बुझाकर पूरी दुनिया में लोग अर्थ आवर मनाएंगे।